वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। द एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 इज रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन ए, 1.81 इज मल्टीप्लाइड बाई 10। जब भी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल 1 के बाद, मतलब 10 के मल्टीपल में होगा तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, तो जितने जीरो होंगे उतना डेसिमल हमारा राइट साइड में मूव करता है। जैसे आपका फर्स्ट सेक्शन है 1.81 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1810 आएगा। अब यहाँ पर हमारा डेसिमल 2 डिजिट पर है, फर्स्ट में मल्टीप्लायर में डेसिमल हमारा 2 डिजिट पे है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट में डेसिमल लगाएंगे तो 18.1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में जीरो बचेगा, उस जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में मूव कर जाता है। अभी डेसिमल जब तक मल्टीप्लाई नहीं हुआ था 8 के पहले था, लेकिन अब वो डेसिमल 8 के बाद होगा, क्योंकि ये 1.81 मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 10 से। नेक्स्ट 731.1 इंटू 100। अब 100 है, ये 10 का मल्टीपल है, इसमें कितने डिजिट जीरो है, 2 डिजिट जीरो है, तो जब 2 डिजिट जीरो होगा तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल 0.1 है, मतलब 1 डिजिट पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे मूव करेगा तो 1 के बाद 1 जीरो और फिर उसके बाद जीरो। कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 73,110.0। नेक्स्ट वन, 52.9 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इफ द 1000 हैव 3 डिजिट्स आर जीरोज, देन द डेसिमल विल बी मूव टू द 3 डिजिट राइट साइड इन टू द प्रोडक्ट। 52,900.0। नेक्स्ट है 7.891 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो जब इस तरह का नंबर आए, कहने का मतलब जो मल्टीप्लायर होगा वो 10, 100 और 1000 के मल्टीपल में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके डेसिमल को हटा के पहले सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिसको डेसिमल से हमने हटाया और मल्टीप्लाई किया तो आया 94,692। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने डिजिट पे डेसिमल है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 3 डिजिट पे डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट में डेसिमल आंसर में लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 8.0005 मल्टीप्लाइड बाई 15। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 4 डिजिट पे डेसिमल है, तो पहले हम डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,270,000। अब उसके बाद हम 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से काउंट करते हुए। नेक्स्ट सेक्शन आर, 5.3 इंटू 6.2। कहने का मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें भी डेसिमल है और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें भी डेसिमल है, तो जब दोनों डिजिट में डेसिमल है तो दोनों डिजिट का डेसिमल हम हटा के पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आया 3,286। अब दोनों डिजिट के दोनों नंबर्स के डेसिमल को हम काउंट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर में 1 डिजिट पे डेसिमल एंड सेकंड नंबर में भी 1 डिजिट पे डेसिमल, तो 112 हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, पहले उनके डेसिमल्स को हटा देना है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा जितने डिजिट पर डेसिमल था जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें उतने डिजिट पे हम डेसिमल प्रोडक्ट में लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।